लोकसभा के सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार सबकी नज़र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पर रही। इस लोकसभा में देश भर से पति पत्नी की ये एकमात्र जोड़ी है जो जीत कर संसद पहुंची है। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं, वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की। अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा में थे, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में। साल 2019 में अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर मैनपुरी सीट से जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों एक बार फिर जीत हासिल कर संसद पहुंचे हैं। इस बार सदन में अखिलेश यादव जहां सबसे पहली पंक्ति में बैठ रहे हैं, वहीं डिंपल यादव दूसरी कतार में ठीक उनके पीछे बैठी नजर आ रही हैं। दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। एक वायरल वीडियो में अखिलेश यादव के भाई और डिंपल यादव के देवर धर्मेंद्र यादव भी साथ साथ देखे जा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव जब निचले सदन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दे रहे थे, तब पीछे बैठी उनकी पत्नी और मैनपुरी सांसद कई मौकों पर हंसती और मुस्कुराती नजर आईं। तब अखिलेश ने कहा कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे, और ये बात सुनकर डिंपल मुस्कुरा दी। अखिलेश की ये बात सुन बाकी सदन के सदस्य भी हंसने लगे। वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब डिंपल अपनी साथी महिला से कुछ बोली और हंसने लगी। इससे पहले भी ऐसे कई मौके हैं जब पति पत्नी साथ में लोकसभा में पहुंच चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक एके गोपालन और उनकी पत्नी सुशीला गोपालन साल 1967 में एक साथ केरल से जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा 1980 और 1989 के बीच 7वीं और 8वीं लोकसभा में पहुंचे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारत के पूर्व रेल और वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते भी अपनी पत्नी प्रमिला के साथ 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वहीं साल 2004 में पप्पू यादव राजद के टिकट पर बिहार के मधेपुरा से चुने गए थे और उनकी पत्नी रंजीत लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से चुनी गई थी। 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से चुने गए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर कई ऐसे पावर कपल रहे हैं जो सदन में एक साथ पहुंचे हैं, और इस वक्त लोकसभा में देश भर से पति पत्नी की एकमात्र ये जोड़ी है अखिलेश यादव और डिंपल यादव की, जो चर्चा में है। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं, वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की और अब दोनों पति पत्नी इस समय संसद पहुंचे हुए हैं। लोकसभा के सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार सबकी नज़र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पर रही। इस लोकसभा में देश भर से पति पत्नी की ये एकमात्र जोड़ी है जो जीत कर संसद पहुंची है। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं, वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की। अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा में थे, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में। साल 2019 में अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर मैनपुरी सीट से जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों एक बार फिर जीत हासिल कर संसद पहुंचे हैं। इस बार सदन में अखिलेश यादव जहां सबसे पहली पंक्ति में बैठ रहे हैं, वहीं डिंपल यादव दूसरी कतार में ठीक उनके पीछे बैठी नजर आ रही हैं। दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। एक वायरल वीडियो में अखिलेश यादव के भाई और डिंपल यादव के देवर धर्मेंद्र यादव भी साथ साथ देखे जा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव जब निचले सदन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दे रहे थे, तब पीछे बैठी उनकी पत्नी और मैनपुरी सांसद कई मौकों पर हंसती और मुस्कुराती नजर आईं। तब अखिलेश ने कहा कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे, और ये बात सुनकर डिंपल मुस्कुरा दी। अखिलेश की ये बात सुन बाकी सदन के सदस्य भी हंसने लगे। वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब डिंपल अपनी साथी महिला से कुछ बोली और हंसने लगी। इससे पहले भी ऐसे कई मौके हैं जब पति पत्नी साथ में लोकसभा में पहुंच चुके हैं।
स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक एके गोपालन और उनकी पत्नी सुशीला गोपालन साल 1967 में एक साथ केरल से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा 1980 और 1989 के बीच 7वीं और 8वीं लोकसभा में पहुंचे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारत के पूर्व रेल और वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते भी अपनी पत्नी प्रमिला के साथ 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वहीं साल 2004 में पप्पू यादव राजद के टिकट पर बिहार के मधेपुरा से चुने गए थे और उनकी पत्नी रंजीत लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से चुनी गई थी। 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से चुने गए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर कई ऐसे पावर कपल रहे हैं जो सदन में एक साथ पहुंचे हैं और इस वक्त लोकसभा में देश भर से पति पत्नी की एकमात्र ये जोड़ी है अखिलेश यादव और डिंपल यादव की, जो चर्चा में है। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं, वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई है। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की और अब दोनों पति पत्नी इस समय संसद पहुंचे हुए हैं। लोकसभा के सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार सबकी नजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पर रही। इस लोकसभा में देश भर से पति पत्नी की ये एकमात्र जोड़ी है जो जीत कर संसद पहुंची है। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं, वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की। अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा में थे, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में। साल 2019 में अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर मैनपुरी सीट से जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों एक बार फिर जीत हासिल कर संसद पहुंचे हैं। इस बार सदन में अखिलेश यादव जहां सबसे पहली पंक्ति में बैठ रहे हैं, वहीं डिंपल यादव दूसरी कतार में ठीक उनके पीछे बैठी नजर आ रही हैं। दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। एक वायरल वीडियो में अखिलेश यादव के भाई और डिंपल यादव के देवर धर्मेंद्र यादव भी साथ साथ देखे जा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव जब निचले सदन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दे रहे थे, तब पीछे बैठी उनकी पत्नी और मैनपुरी सांसद कई मौकों पर हंसती और मुस्कुराती नजर आईं। तब अखिलेश ने कहा कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे, और ये बात सुनकर डिंपल मुस्कुरा दी। अखिलेश की ये बात सुन बाकी सदन के सदस्य भी हंसने लगे। वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब डिंपल अपनी साथी महिला से कुछ बोली और हंसने लगी। इससे पहले भी ऐसे कई मौके हैं जब पति पत्नी साथ में लोकसभा में पहुंच चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक एके गोपालन और उनकी पत्नी सुशीला गोपालन साल 1967 में एक साथ केरल से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा 1980 और 1989 के बीच 7वीं और 8वीं लोकसभा में पहुंचे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारत के पूर्व रेल और वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते भी अपनी पत्नी प्रमिला के साथ 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वहीं साल 2004 में पप्पू यादव राजद के टिकट पर बिहार के मधेपुरा से चुने गए थे और उनकी पत्नी रंजीत लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से चुनी गई थी। 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से चुने गए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर कई ऐसे पावर कपल रहे हैं जो सदन में एक साथ पहुंचे हैं और इस वक्त लोकसभा में देश भर से पति पत्नी की एकमात्र ये जोड़ी है अखिलेश यादव और डिंपल यादव की, जो चर्चा में है। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं, वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की और अब दोनों पति पत्नी इस समय संसद पहुंचे हुए हैं।